भगवान कभी कभार ऐसे चमत्कार करते हैं जिस पर आपको कभी विश्वास नहीं होता। मैं जिस संत को टीवी पर देखा करता था और ये कभी उम्मीद लगाकर रखता था कि उनसे कभी दर्शन होंगे, आज वह किसी विवाह कार्यक्रम पर ऐसे अचानक उन्होंने दर्शन दिए जिसे देखकर मैं इतना भगवत प्रेमी हो गया हूँ जिसका मैं विश्वास नहीं कर सकता। शुरू से अंत तक जरूर देखें इसको। अभी यहाँ पर आए हैं, हमें स्वागत किया गया है फूल माला से। देख सकते हो कुछ सीन ऐसा है। अभी यहाँ पे गुरु जी आने वाले थोड़ी देर में। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सीता साधु गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उसके साथ साथ कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में अपनाएं,
को अपने से कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, जहाँ जैसे हैं ऐसे रहेंगे, छोड़ना कुछ नहीं, कोई मोड़ना होता था। क्या मोड़ना है? जैसे मैं कहा कि हमने रहन सहन चली चलन बोली चली चिंतन कृष्ण भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करके, अनुकूलता को स्वीकार करके करना है। जो कृष्ण को पसंद है वो कृष्ण भक्त को पसंद है, कृष्ण उनके प्रभु हैं। तो कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण भक्त की प्रसन्नता को लक्ष्य रख करके कुछ भी कार्य किया जा सकता है। कृष्ण भक्ति के लिए कोई बाधक नहीं कि कोई भी आश्रम नहीं, केवल यही आश्रम रहने से कृष्ण भक्ति का ऐसा नहीं। चाहे ब्रह्मचारी, चाहे गृहस्थ, चाहे वानप्रस्थ, चाहे संन्यास, किसी भी आश्रम से कृष्ण की भक्ति किया जा सकता है, किसी भी वर्ण में कृष्ण की भक्ति किया जा सकता है। कोई स्थान काल वर्ण आश्रम से निर्विशेष में, क्योंकि भगवान सभी के हैं, सभी करते हैं। सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, विचार उच्च होना चाहिए, रहन सहन सरल होना चाहिए। सभी के ऋषि को ध्यानस्थ थे तो उनको प्यास लग रहा था, पानी के ढूंढते ढूंढते आश्रम में चले गए, अकेले थे, मृगयान थे। और जब प्राणी मात्र में हितकारी पूरे समाज से महावैरागी और हमेशा भगवान के शरणागत, भगवान के भक्तों में भागवत में लिखा गया है, निम्न गानं यथा गंगा, नदियों में जैसे गंगा जी सबसे श्रेष्ठ है, देवानां यथा उच्यत, देवताओं में जितने भगवान हरि श्री कृष्ण जिससे सबसे महान है, श्रेष्ठ है, श्री भगवान के भक्तों में वैष्णव में यथा भगवान शंकर टॉपमोस्ट भक्त है। और जैसे पुराण में भागवत सबसे श्रेष्ठ है, इस प्रकार सारे भक्ति में भक्तों में श्रेष्ठ है भगवान शंकर। संतों की भाषा बहुत सरल होती है, वे वही कहते हैं जो भगवान ने कहा था। तो हम इनकी बातों को अगर अपने जीवन में अमल में लाएं तो हमारा जीवन सच में बहुत सरल हो सकता है।
राम।